चलिए फ्रेंड, तो फिर हम सारे स्टूडेंट फिर हम आगे इस वीडियो को देखेंगे और एक फिर आइसोमेट्रिक से मल्टी व्यू का प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, इस व्यू में ये फ्रंट है, क्या क्या दिखता है इधर से, ए बी और कुछ दिखता है? अब देखिए ये क्या है, ये साइड व्यू है, ये क्या है, साइड व्यू। साइड्स क्या क्या दिखता है, सी डी। अब देखिए टॉप से क्या क्या दिखता है, ई एफ जी, ये सब टॉप से दिखता है, ई एफ और जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, पहले फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन भी इसके बारे में समझते हैं। देखिए इसमें क्या है, फ्रंट व्यू राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, ठीक। तो किधर बनेगा, राइट साइड में। ये फ्रंट व्यू बना, फ्रंट व्यू राइट साइड में बन गया। देखिए फ्रंट व्यू से क्या दिखा आपको, ये ए और बी। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि ये एक छोटी सी लाइन दी हुई है जिसको बोलते हैं हम हिडन लाइन। क्या बोलते हैं, हिडन लाइन। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये जो इसका कटा हुआ भाग को दिखाने, हिडन लाइन का प्रयोग क्यों किया जाता है, कटे हुए भाग को दिखाने के लिए। तो इस कटे हुए भाग को दिखाने के लिए हिडन लाइन का यूज किया जाता है। अब देखिए हम जब इस फ्रंट से देखेंगे तो यहाँ पे जो गैप है वो तो नहीं दिखेगा, फ्रंट से देखने पे, ये फ्रंट से जब देखते हैं हम, इधर से देखते हैं तो ये वाला गैप नहीं दिखता है, यानी यहाँ पे एक, इधर से देखने के लिए इसीलिए यहाँ पे एक हिडन लाइन की व्यवस्था इस व्यू में की गई है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्रंट से जो होना था आपने देखा, फ्रंट व्यू में क्या क्या केसेस आए हैं हमारे सामने। अब देखिए इसीलिए इस ए ही हिडन लाइन है, ए और भी समझ में आ गया। अब चलते हैं साइड व्यू में, साइड व्यू से क्या दिख रहा है, डी एंड सी। देखिए ये डी हो गया और ये सी हो गया, लेकिन इसमें भी एक हिडन लाइन है। अब ध्यान से देखिए जब हम इधर से देखते हैं तो ये और ये सरफेस दिखता है, लेकिन इसके पीछे ये जो कटा वाला भाग है गैप, वो हमको नहीं दिखाई देता है। तो उसी गैप को पूरा करने के लिए ये वाली लाइन बनाई गई है, जो कि यहाँ पे जो हिडन लाइन दी गई है ऐसे करके सारे सरफेस में ऐसे करके, तो वही वाली ये हिडन लाइन है। अब चलिए आते हैं टॉप व्यू में, टॉप व्यू को ध्यान से देखना है। देखिए सबसे पहले तो मेरा एफ दिखेगा, पहले क्या दिखेगा, देखिए ध्यान से टॉप व्यू। चलिए तो आगे समझते हैं, आगे में क्या समझना है। देखिए टॉप व्यू जिसको बोलते हैं प्लान, इसको क्या बोलते हैं, टॉप व्यू, यानी टॉप जिसको बोलते हैं प्लान। टॉप से हमको देखता है, देखिए यहाँ पे एक छूटा हुआ है ई एफ, ये भी तो दिखेगा, ये भी दिखेगा जी, ठीक। देखिए क्या दिख रहा है हमको, ई एफ जी दिख रहा है, और ये क्या है, ई एफ जी और एच, ये एच है, ये क्या है, एच, इसको कटिए, ये एच है।
दिख रहा है, ई एफ एच और जी। अब देखिए टॉप व्यू में ये एच हो गया, चूंकि अगर हमको टॉप से देखना है तो सबसे पहले फ्रंट की तरफ घुमाते हैं, फिर फ्रंट की तरफ से टॉप देखते हैं। तो एच दिखेगा फ्रंट की तरफ से टॉप को देखने पे, फिर एफ दिखेगा, फिर ई दिखेगा, और फिर ये जी दिखेगा। अब सोचने वाली बात है, क्या इसमें भी हिडन लाइन्स आएंगे? नहीं। चलिए इसी तरह से हम आप लोगों को थर्ड एंगल प्रोजेक्शन भी समझा देते हैं। देखिए थर्ड एंगल में तो जो जिधर है उधर रहता है, इसमें आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए। देखिए फ्रंट व्यू है, तो फ्रंट व्यू में क्या क्या दिख रहा है, ए और बी। साइड व्यू, साइड में क्या क्या दिख रहा है, डी और सी, डी एंड सी। और टॉप व्यू में एच एफ ई और जी। इसी तरह से इस पूरे व्यू को आप समझ जाइए इस वीडियो के माध्यम से। चलिए।